जैसे कि आपको मिल सकते हैं खाना वाना लग गया वीआईपी का भाई, आगे इतनी सारी डिशेज तुम्हें सामने रखनी है, नाम नाम तो बताओ क्या सीन है भाई। ये चिकन चपोटले सही है, चेस टिक्का सही है, हेलीपोर्ट पावर शो सही है, बीफ स्मोकी बर्गर ये हमारी स्पेशलिटी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है बादशाह शशके को जमाने के। आज का जो मौसम है, आजकल मतलब आजकल का जो मौसम हो रहा है कराची के अंदर, बड़ा ही कोई खूबसूरत किस्म का मौसम हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर दिसंबर का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ अक्टूबर चल रहा है। तो आजकल का मौसम जिस तरह का हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्दी आ जाएंगी सर्दियाँ, बस आ जाएंगी। क्योंकि रात में अगर 11-12 बजे के टाइम अगर आप घर से बाहर निकलें, किसी खुली रोड पर जाएँ, तो ऐसा लगता है कि आप बस सर्दियाँ आ गई हैं भाई यहाँ पे। खैर अब मौसम की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मुझे आपको ये बताना था कि तकरीबन कोई 2.5-3 हफ्ते से मैं एक कमर्शियल शूट में लगा हुआ हूँ। एक कमर्शियल, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, ये मेरा हैंडल आ रहा है, अगर नहीं कर रहे तो कर लें, और अगर कर रहे हैं तो आपको पता होगा पहले से, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे पहले ही अनाउंस कर देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो आपका भाई 2-2.5 हफ्ते से तकरीबन ये कमर्शियल वगैरह में लगा हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, उसका बिहाइंड द सीन सारा शूट हो चुका है, बस एडिट होना बाकी है, तो एडिट वगैरह होगा। लेकिन आज जो है ना वो अलग सीन है, आज इसका सीन है। मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ से हमने स्किप करा था वहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाता है, उसके बाद से हम आपको बता। भाई अभी शाम के तकरीबन कोई 4-4:30 का टाइम हो रहा है, और मैं जा रहा हूँ चाची स्मैश के कैफे। हमारा एक दोस्त है बाकेट नाम का, वो मंडी ब्लॉग में भी आ चुका है, आपने अगर देखा हो पिछले साल का मंडी ब्लॉग, उसमें आया था। तो उसके मामू ने इस रेस्टोरेंट के आगाज़ करा है चाचू स्मैश कैफ़े के नाम से। तो आज वहाँ से हमें इनविटेशन आई है, तो आज हम वहाँ जाएंगे। तकरीबन 5:30 बजे तक मैं निकलूँगा, क्योंकि 6 बजे तक का मुझे टाइम दिया कि 6 बजे तक आप आ जाएँ। तो 5:30 बजे तक निकलते हैं, अभी 4:30 बजे ना, तो उससे पहले हम तैयार हो जाते हैं, फिर आपसे बात। हाँ तो भाई तैयार हो गए हैं, जैसे कि देख सकते हो, और टाइम भी हो गया, तकरीबन 5:30 हो गए हैं, बस अब निकलते हैं, क्योंकि 1.25 घंटे का सफ़र है, 6:00 पे पहुँचना है, तो बस निकलते हैं। बाकी सारी बातें वहाँ पहुँच के बाकी के साथ होंगी। सही है भाई, मतलब आज तो मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त। चलो फिरते रस्ते पर चलती रहती वो जिंदा दिल, कुछ भी मांगो नजरों नजरों में भर के लाई जहां को। हाँ तो भाई मैं पहुंची हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि चाचू से मैं इस कैफे पे आ गया हूँ, और अब यहाँ पे आ गए हैं, और बाकिर ने हमें बुलाया था। हाँ भाई बाकिर, क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो भाई? हाँ तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आ गया वहाँ पे चाचू स्मैश कैफे पे, और बाकिर ने मुझे बुलाया था इनके मामू का रेस्टोरेंट। हाँ भाई क्या सुनिए, मैं क्या खिला रहा हूँ? जो तुम बोलोगे यहाँ तुम वो खिलाएंगे, बस देख लो, फिर खिलाना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। अच्छा ये बताओ तुम मुझे कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले स्पेशलिटी ट्राई करूँ, क्योंकि भाई असल होता है भाई। अच्छा स्पेशलिटी यहाँ की स्मोकी बर्गर, जिंगर में अमेरिकन जिंगर मिलेगा, बाकी अपना पूरा का पूरा ही स्पेशल, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये टेबल देख रहे हो, यहाँ पे लग जाना चाहिए पूरा का पूरा। बस सही है, बस अभी हम लोग खाना वाना रेडी हो रहा है थोड़ा, तो फिर जैसे ही आ जाता है फिर आपको बताते हैं क्या सीखे हैं। तो फिर मैं आके ऑनर से आपको मिला, अच्छा आप मुझे पहले ये बताया, सबसे पहले मुझे ये बात चाचू स्मैश कैफे, ये नाम कैसे? असल में इसकी स्टोरी ये है कि मेरे बहन की 4-5 साल से अच्छा, और हमारा जो आपस में जो माहौल है वो दोस्ताना माहौल है, ऐसा नहीं है कि भतीजा चाचू बोलते हैं, माहौल ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली दोस्ती आ रही है। तो फिर मैंने अपने बिजनेस का जो सोचा प्लान में आने का, फिर मैंने सोचा कि सुनने में अपने कैफे का नाम चाचू उसके नाम से, और अच्छा सा नाम है, हर किसी घर में चाचू बोलते हैं भाई, चाचू नहीं है। मैंने सोचा कि लोग ये नेम लेने में भी आसानी होती है, चाचूस या चाचूस चलते हैं, तो इस वजह से मैंने ये चाचूस स्मैश कैफे लिया। अच्छा आप ये बताएं आज कि आज जो आपकी स्पेशलिटी है काफ़ी सुनिए, मुझे बताएं बिल्कुल एक बार आप मुझे बताएं क्या बताइए। फास्ट फूड में अगर हम आते हैं तो अगर फिंगर ब्रेडर में आते हैं तो हमारे एक अमेरिकन फिंगर ब्रेडर है, ये हमारा बहुत पॉपुलर है, फूड फाइनर में भी बहुत पॉपुलर है, और वैसे रनिंग कस्टमर में बहुत पॉपुलर है हमारे। इसमें बेसिकली हम लोग आइस पर कैक करते हैं, और हमारे कुछ सॉसेस हैं जो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट के सॉसेस हैं, तो वो हम लोग ऐड करते हैं, तो माशाल्लाह लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि हम क्वान्टिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल बाकी मदद देने वाली मजाक अल्लाह। यार एक चीज़ तो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, अभी एडिट में मैं बैठा हुआ था तो मुझे याद आया कि मैंने तुम लोगों से इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मिस ही कर दी। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि तकरीबन 24 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का
मैच होने जाने वाला है जो कि वर्ल्ड कप का T20 का वर्ल्ड कप सबसे बड़ा मैच कहलाता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और उसकी स्क्रीनिंग होने जाने वाली है चाचूस मैच के कैफे पर। एड्रेस मैं आपको फिर बता देता हूँ, डिफेंस फेस 6 बिग कमर्शियल लेन 9 और बिल्कुल अपना क्या कहते हैं ऑरेंज स्पोर्ट्स गेमिंग जोन के बिल्कुल अपोजिट। अगर आप किसी से ऑरेंज स्पोर्ट गेमिंग जोन पूछोगे तो आपको ऐसे ही बता देगा, बहुत फेमस है। तो वहाँ पे स्क्रीनिंग होने जाने वाली है 24 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, बड़ी सी स्क्रीन वगैरह लगेगी, फुल चश्के बाहर बैठने का सीन वगैरह सब ऑन है। और यही नहीं है, अभी और सुनिए, इसके साथ आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अगर आप मेरे रेफरेंस पे जाके बात करेंगे कि भाई अब्दुल्ला साजिद का हमने व्लॉग देखा था, उनके रेफरेंस हम आए, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एवरीथिंग। जो चीज़ आप परचेज करेंगे, जो चीज़ आप मतलब वहाँ से खरीदेंगे, सब चीज़ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ 24 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान। तो शायद मे भी मैं वहाँ जाऊँ और शायद ना जाऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कुछ पक्का नहीं है मेरा, लेकिन हुआ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वहाँ जाने की। मुझे इन्होंने खास तौर पे बोला है कि आप भी ज़रूर आएगा, हो सका तो मैं भी आऊँगा और दोनों भाई बैठ के मैच देखेंगे। खैर बाकी का एंजॉय करो ब्लॉग। अच्छा तो भाई मैं आपको एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ, इनका नाम है हैंडिल और इनका बड़ा एक अंदाज है, जब ये लेकर आते हैं क्या कहते हैं अपना ऑर्डर वगैरह का, तो ये वो है क्या कहते हैं स्टाइल है, तो मुझे तो जो बड़ी तारीफ हुई थी कि भाई ये करते हो वो करते हो, बस यही था जी मेरा, यही था। हाँ का प्राइस का मेरा माशाल्लाह से है कि नत्थू प्राइस है, फत्तू प्राइस है, एरा प्राइस है, लहरा प्राइस हो गई, अच्छा किचू किचू प्राइस है, किचू किचू प्राइस, खमतू तो प्राइस है, और इसके अलावा माशाल्लाह अभी उसमें गुजराक वगैरह भी हम लोग ऐड करते हैं, सही मज़ा आ जाता है खाने में। अच्छा ये बताओ मुझे ये हैंडल नाम कैसे पड़ गया? ये हैंडल नाम उस्ताद ने रखा था, मैं काम करता था कंपनी में और हैंडल का मेरा काम हैंडल करते थे जी, हैंडल के नाम का नाम भी मेरा हैंडल रख दिया था। जैसे कि आपको खाना वाना लग गया है भाई, आगे इतनी सारी डिशेज तुम्हें सामने रखनी है, नाम वाम तो बताओ क्या सीन है भाई? ये चिकन चपोटले सही है, चेस्ट टिक्का सही है, हेलीकॉप्टर पावर शो सही है, बीफ स्मोकी बर्गर ये हमारी स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी है आलू बार, तो वह ट्राई करते हैं चेक करना है बाकी में स्पेशलिटी है भी है, तो भाई ये है बीफ स्मोकी बर्गर ट्राई करते हैं। अब ये ट्राई करते हैं चिकन चिपोटले फ्राइज ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं कैसा कैसे लग रहे हैं अब्दुल्ला? सर खाना तो बड़ा बिहार भी लगा, अब ये ज़रा बताओ कि कहाँ पे लोकेट कर ये है? डिफेंस फेस 6 बिग निशाद कमर्शियल लेन नंबर 9 नियर ऑरेंज गेमिंग जोन। तो अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं मैं तो कहूँगा बल्कि विजिट करें, रिकमेंड करता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त इनके फास्ट फूड है, स्पेशलिटी जैसे कि मैंने आपको सामने आपके रखी है, बहुत अच्छा लगा बात ये में। और अब बस कैमरा बंद होगा और इसको फोड़ेंगे, सही है भाई? हाँ तो भाई घर आ गया हूँ, तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने देखा नहीं अभी का, मैं ऐसे ही कोई टाइम हो रहा था क्योंकि उस वक्त मैं कोई तकरीबन 10:30 या 11:15 बजे तक निकला था, तो अभी यही टाइम हो रहा है। तो बहुत अच्छा आया, बहुत मज़े का खाना था, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर जाएँ, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक वगैरह होगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ जाके भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका खाना है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनके सॉस वगैरह जो है ना वो ज़्यादातर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे, मतलब ऐसे सॉस अभी तक मैंने ऐसे मतलब नहीं खाए, नहीं टेस्ट करे वाकई में यार, बहुत ज़बरदस्त इनके सॉसेस वगैरह हैं। बाकी तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ते बाद हमारा बिहाइंड द सीन आ रहा है कमर्शियल का, तो वो ज़रूर देखेगा, बहुत मेहनत करी है भाई ने, और उसके कमर्शियल एड्स जो हैं मैं कोशिश करूँगा कि बिहाइंड द सीन से पहले अपलोड कर दूँ, 6 कमर्शियल्स पे भाई ने काम करा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका बिहाइंड द सीन भी आएगा तो ज़रूर देखेगा। तब तक ख्याल रखें अपना, शाबाश बेटा।